बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हल्ला खान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत का अमल है। आज हम बात करने जा रहे हैं मियां बीवी के रिश्ते के बारे में। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मियां बीवी के एक दूसरे का लिबास कहा है। सबसे पहली बात तो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, बेटी के माँ बाप को चाहिए वो अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घराने में करें, उसको बोझ ना समझे और सोच समझ कर फैसला करें। मेरी सब वालदैन से गुजारिश है कि वो अपनी बेटी की शादी जल और बदतमीजों में ना करें। अगर वो अपनी बेटी की शादी जहलों में करते हैं जिन्हें अगर वो अपनी बेटी की शादी जाल बदतमीजों में करते हैं तो खुदा की कसम उस लड़की को मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। थोड़े अर्से बाद वो खुद ही मर जाती है। ताने सह सके, बातें सह सके ना, वो खुद ही मर जाती है। तो मेरी तमाम मर्द हजरात से गुजारिश है, बीवी को सिर्फ बीवी ना समझे बल्कि अपनी बेहतरीन दोस्त समझे। बीवी की भी इज्जत नफ्स होती है। अगर बीवी को नसीहत करनी है तो तनहाई में करो, और बीवी को भी चाहिए कि अपने शोर उसके घर वालों की इज्जत करें। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जितना शोहर हजरात अपनी बीवी की खिदमत करते हैं, बीवी को भी उतना ही चाहिए कि वो उनकी भी खिदमत करें। आप अपने खामद और उसके घर वालों की इज्जत कर रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं, तो अगर फिर भी उन्हें समझ नहीं आती तो आपको करना ये है कि आपको एक वजीफ़ा करना है। आपको लड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आपने एक वजीफ़ा करना है। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ये बहुत ही आजमौदा वजीफ़ा है। आप इसको करेंगे तो आपको चंद दिनों में वादा फ़र्क महसूस होगा। वजीफ़ा नोट कर लें। वजीफ़ा है या वदूदू, 1000 बार पढ़ के आपने उसको चीनी पे दम करके रख लेना है किसी जार में। इस चीनी को शरबत में या चाय में या मीठी चीज़ में मिलाकर शोहर को दें, अपने घर वालों को दें और खुद भी पिए। आपने इसको चाय में बिल्कुल भी नहीं पकाना। जब चाय पक जाएगी तब आपने इसको निकाल के कप में 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से इसको डाल लेना है, मिक्स कर लेना है। इस चीनी को आग पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 1000 मरतबा या वदूदू पढ़ना है और चीनी पे फूंक मारनी है और फिर अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह आपका जालम से जालम शोर भी होगा। अगर आपको डांटता होगा या मारता है या लड़ता है, आप उसको ये चीज़ पिलाएंगे, अपनी सास को, अपने ससुर को या जो भी है, अब आपके घर में जो भी ज़्यादा लड़ता झगड़ता है, आप उसको ये चीनी दम करके दें, उसको पिलाएं और खिलाएं भी, तो इंशाल्लाह आपको वाजिया फ़र्क महसूस होगा। आपने सब्र से काम लेना है, उनको पिलाते रहना है। आपको फ़र्क अपनी आँखों से खुद देखेंगे कि आपको फ़र्क महसूस होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।